दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि चांद पर लैंडिंग करना कितना मुश्किल है। कई देशों के मिशन यहां पर आकर फेल हुए हैं और कई देशों ने आने को बाहर कोशिश की है। इसमें इसराइल, चीन, रूस समेत अमेरिका भी शामिल है। और भारत के चंद्रयान 2 का क्या हुआ था, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन आज से लगभग 5 दशक पहले, जब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी, रूस अमेरिका ने चांद पर कई मिशन किए। यहां तक कि इंसानों को भी भेजा चांद पर, और वो सॉफ्ट लैंडिंग के साथ साथ धरती पर वापस भी आ गए और यहां भी सही सलामत सॉफ्ट लैंड कर गए। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ, वहां पर सबने जाना बंद कर दिया। चांद पर ऐसा कुछ बचा ही नहीं था जिससे एक्सप्लोर किया जा सके, या चांद पर कोई गया ही नहीं। और फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सभी देश चांद की दौड़ में एकदम से दौड़ पड़े। अभी भी 2 देशों के मिशन, रूस का लूना 25 और भारत का चंद्रयान, चांद की सतह के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और उतरने को बेताब हैं। अमेरिका और चीन भी वहां पर इंसानी मिशन भेजने की तैयारी में है। चांद से जुड़े और भी कई रहस्य जानेंगे, उससे पहले जानते हैं चंद्रयान का ताजा अपडेट। कहां है चंद्रयान और किस हाल में है? भारत के तीसरे मून मिशन चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर यानी LM चंद्रमा की ओर बहुत करीब पहुंच गया है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने शुक्रवार को डिबूस्टिंग की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली। इसरो ने बताया कि लैंडर मॉड्यूल अच्छी स्थिति में है और सामान्य रूप से काम कर रहा है। विक्रम लैंडर के साथ ही प्रज्ञान रोवर भी चांद के नजदीक पहुंच चुका है। इसरो ने कहा कि लैंडर मॉड्यूल को अब 20 अगस्त को डिबूस्ट किया जाएगा, यानी कि कल का दिन इसके लिए बहुत अहम होने वाला है। इसरो ने अपने लेटेस्ट ट्वीट में बताया कि लैंडर मॉड्यूल की स्थिति सामान्य है। डिबूस्टिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद विक्रम लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 113 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 157 किलोमीटर रह गई है और अब 20 अगस्त यानी कल दूसरी बार विक्रम लैंडर को डिबूस्ट किया जाएगा। अनुमान है कि तब लैंडर विक्रम चांद से महज 100 किलोमीटर दूर रह जाएगा। इसरो के मुताबिक 20 अगस्त को डिबूस्टिंग की प्रक्रिया रात करीब 2 बजे होगी। गौरतलब है कि चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल और प्रपल्शन मॉड्यूल गुरुवार को एक दूसरे से अलग हो गए। 14 जुलाई को लॉन्च होने के बाद चंद्रयान 3 ने 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। इसी बीच इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल पर लगे कैमरे से ली गई चंद्रमा की तस्वीरें रिलीज की थी। सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चांद पर लैंडिंग की कोशिश कर सकता है। यूं कहे कि 5:47 पर लैंड करेगा। इसरो को पूरी उम्मीद है कि मिशन सफल होगा। लैंडर विक्रम को इस तरह से डिजाइन किया गया कि यह बड़ी गड़बड़ी में भी मिशन को बर्बाद नहीं कर पाएगा। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ कह चुके हैं कि चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम होगा, भले ही इसके सभी सेंसर और सभी उपकरण काम करना बंद कर दें। अब चंद्रयान 3 के पीछे रूस ने अपना मिशन लूना 25 भेज दिया है, जो कि अभी चंद्रमा की कक्षा के चक्कर काट रहा है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि रूस का पहला जो मिशन था चांद वाला, वो आज से 47 साल पहले भेजा गया था, यानी लूना 24 47 साल पहले गया था। ऐसा क्या हुआ जो रूस 47 साल तक कोई भी मिशन चांद पर नहीं भेज पाया, या रूस ने चांद पर मिशन भेजने की जरूरत ही नहीं समझी? रूस को छोड़िए, नासा को देख लीजिए, जिसने अब तक एक भी मिशन चांद पर नहीं भेजा, हालांकि उसका पहला मिशन 54 साल पहले जुलाई 1969 में चांद पर गया था। लेकिन इसके 4 महीने बाद नासा ने फिर से चांद पर अपना मिशन भेजा था। इसके बाद आज तक चांद पर नासा का कोई मिशन नहीं गया है। 2 मिशन सिर्फ 4 महीने के अंतराल में इन्होंने भेजे थे। तो पहली बार ऐसा क्या देखा था नासा ने चांद पर, जिसके लिए उसने 4 महीने के अंदर दूसरा मिशन भेज दिया था? क्या नासा का वहां पर कुछ छूट गया था जिसे लेने दोबारा गए थे, या फिर नासा किसी चीज की पुष्टि करने दोबारा चांद पर गया था? दोस्तों, अमेरिका ने चांद पर अपने इंसान भी भेजे थे और उन्हें चांद की सैर करवाकर वापस धरती पर लाने वाला देश बन चुका है। आज हमारे पास इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी होने के बावजूद बहुत सारे देश चांद पर मानव रहित विमान भेज रहे हैं। इनमें से ज्यादा विमान चांद पर क्रैश लैंड कर रहे हैं। ऐसे में वहां इंसानों को फिर से भेजना, उसके लिए बहुत सोच समझ कर ही कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि चांद पर भेजे गए इंसानों को वापस लाने की जिम्मेदारी भी उसी देश की होगी जो उन्हें चांद पर भेज रहा है। ऐसा कारनामा 54 साल पहले अमेरिका कर चुका है। लेकिन आखिर अमेरिका अब ये कारनामा क्यों नहीं कर रहा? उस समय टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी इंसानों को आज से बहुत कम हुआ करता था। उस समय नासा ने 6 बार चांद पर अपने मिशन भेजे और उसमें 12 अंतरिक्ष यात्रियों को चांद की सैर करवाई है, यानी 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद पर कदम रखा है। आइए जानते हैं कब कब इंसानों को चांद पर भेजा गया। सबसे पहले तो जुलाई 1969 में नासा ने इंसानों को चांद पर उतारा था। इसके ठीक 4 महीने बाद दोबारा नवंबर 1969 में उसने इंसानों को चांद पर भेजा था। इसे तो यही लगता है कि जैसे नासा पहली बार वहां पर कोई सामान छोड़ के आ गया है जिसे लेने के लिए दोबारा गया है।
या फिर उसने वहां पर कुछ ऐसा देख लिया जिसकी जांच पड़ताल या जिसकी पुष्टि करने के लिए उसने फिर से दूसरे अंतरिक्ष यात्री को चांद पर भेजा। 1972 तक नासा ने चांद पर 12 लोग भेजे और ऐसा करके उसने एक इतिहास रच दिया, जिसके बाद चांद पर जाना और वहां इंसानों के लिए बस्तियां बनाने की बातें कही जाने लगी। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि नासा ने चांद पर जाना ही बंद कर दिया? अन्य देशों ने भी चांद पर अपना कोई मिशन नहीं भेजा। यहां तक कि नासा का जो आखिरी मिशन था उसमें इंसान चांद की सतह पर उतरे ही नहीं थे, बल्कि वो चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगाकर वापस पृथ्वी पर आ गए थे। ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें चांद पर उतरने दिया नहीं गया था, या वो चांद पर उतरना नहीं चाहते थे? जबकि वो चांद पर उतरने के लिए गए थे तो फिर बिना उतरे ही वापस क्यों आ गए? नासा का कहना है कि नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की धरती से अमेरिका के राष्ट्रपति से फोन पर बात की थी, जबकि आज भी हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि धरती के हर कोने से हम कॉल कर पाए। कई जगह तो नेटवर्क आता ही नहीं है। अब आप खुद आइडिया लगाइए, अमेरिका की टेक्नोलॉजी आज से 54 साल पहले कितनी बेहतरीन रही होगी कि नील आर्म ने चांद पर जाकर कॉल किया था। लेकिन आखिरी बार नासा ने चांद पर ऐसा क्या देखा था कि 54 साल हो गए लेकिन आज भी नासा वहां कोई इंसान नहीं भेज रहा? अमेरिका स्पेस के मामले में आगे रहने वाले देशों में है। उसने चांद को छोड़कर बाकी अन्य ग्रहों पर भी अपने मिशन भेजे हैं। उसने मंगल ग्रह पर भी अपने लैंडर को उतारा है, साथ ही उसके दुनिया भर के सैटेलाइट और मिशन अमेरिका स्पेस में भेज रहा है। आज रूस और भारत, चीन जैसे देश चांद पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वही अमेरिका चांद को भूल चुका है। तो क्या वाकई में अमेरिका पूरी दुनिया से कुछ छिपा रहा है? कुछ खबरें तो कहती हैं कि अमेरिका एलियंस को छिपा रहा है। ऐसा ही एक मुद्दा हाल ही में अमेरिका की संसद में उठा था कि उसने एलियंस को छिपाया हुआ है, और साथ ही नासा ने एक एलियन के साथ साथ एक एलियन शिप भी छिपाया हुआ है और उसको रिवर्स इंजीनियरिंग कर वो लोग काम कर रहे हैं। यानी नासा के पास वो पूरी टेक्नोलॉजी है जिससे वो वापस चांद पर जा सकते थे, और अब तक वो इंसानों को भी चांद पर बसा सकता था। लेकिन नासा चांद पर क्यों नहीं जा रहा वर्तमान समय में, जहां इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है? तब भी भारत के चंद्रयान को चांद पर जाने में 40 दिन लग गए हैं, जबकि 54 साल पहले नासा सिर्फ 5 दिन में चांद पर पहुंच गया था, वो भी इंसानों के साथ। कुछ खबरें तो ये भी बताते कि नासा कभी चांद पर गया ही नहीं। जो वीडियो और फोटो उसने वायरल किए हैं वो दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि वह एक फिल्म स्टूडियो में शूट की गई है और एक फिल्म है जिसमें अमेरिका पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाता रहा है। अब इसमें कौन सी बात सही है, आइए जानते हैं क्या है पूरी सच्चाई। दोस्तों, रूस की एक स्पेस एजेंसी ने दावा किया था कि अमेरिका कभी चांद पर गया ही नहीं, और जो तर्क दिए गए हैं वो ये है कि नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर अमेरिका का झंडा लगाया था। तस्वीर में दिखाया गया है कि झंडा फहर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जब चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है तो ये झंडा लहराया कैसे? दूसरा सवाल यह था कि चांद पर अंतरिक्ष यात्रियों के पैरों के निशानों की तस्वीरें सामने आई हैं। तर्क दिया गया है कि चांद पर नमी ही नहीं है, इसलिए वहां पर इस तरह के पैरों के निशान नहीं पड़ सकते। और तीसरा तर्क यह था कि चांद की तस्वीरों में आकाश एकदम काला दिखाई देता है, वहां कोई तारा भी नहीं है। कहा जाता है कि चांद पर वायुमंडल नहीं है, ऐसे में तारे और भी ज्यादा चमकदार और साफ दिखाई देने चाहिए। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्रियों की परछाई को लेकर भी कई सवाल उठाए गए। जब चांद पर रोशनी ही नहीं है तो परछाई कैसे दिखाई दी, और अगर ये सूर्य की वजह से थी तो परछाई की दिशा एक जैसी होनी चाहिए थी। ये दावा किया गया है कि अपोलो मिशन मात्र एक फिल्म की तरह था। इसे हॉलीवुड डायरेक्टर स्टेनली क्यूब्रिक ने फिल्माया था। अपोलो मिशन से एक साल पहले ही उन्होंने एक फिल्म बनाई थी जिसमें उन्होंने चांद और अमेरिका से संबंधित दृश्य दिखाए थे। अब इसमें सच्चाई क्या है ये तो वही जानते हैं। जिन एक्सपर्ट का कहना है कि चांद पर जो झंडा लहरा रहा है वह वायुमंडल तो नहीं है, फिर कैसे लहराता है? तो दोस्तों, अमेरिका जानता था कि वहां पर वायुमंडल नहीं है इसलिए झंडा लहराएगा नहीं, इसलिए उन्होंने झंडे को सीधा रखने के लिए पहले ही एक योजना बनाई थी। झंडे को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि झंडे के ऊपरी साइड में कुछ डाला गया है ताकि वो सीधा रहे, यानी कि एक रॉड डाली गई है, एक तार डाला गया है। इसलिए जिन लोगों का ये कहना कि झंडा लहरा कैसे सकता है तो उनका ये तर्क यह खारिज हो जाता है। अब आते हैं दूसरे तर्क पर, इसमें कहा गया कि अंतरिक्ष यात्रियों के पैरों के निशान वहां होने चाहिए थे क्योंकि वहां पर नमी नहीं है। इस पर नासा ने कहा था कि चांद की मिट्टी पर नमी तो नहीं है, लेकिन वहां जब पैर रखते हैं तो नीचे धंसता है और इस वजह से उस तरह के निशान वहां पर पड़ेंगे जैसे कहीं पर सीमेंट पड़ा हो, सूखा सीमेंट। अगर हम उसमें पैर रखेंगे तो बिल्कुल वैसे ही पैरों के निशान बनेंगे जैसे चांद पर बने हुए हैं। अब कुछ एक्सपर्ट ने यह भी कहा कि चांद की तस्वीरों में आकाश एकदम काला दिखाई दिया तो वहां कोई तारा क्यों नहीं है, जबकि चांद पर वायुमंडल न होने की वजह से वहां तारे दिखाई देने चाहिए। इसका जवाब ये मिला कि चांद पर पड़ने वाले प्रकाश की वजह से जैसे दिन में तारे नहीं दिखते, ठीक वैसे ही उसी तरह चांद की सतह पर जब रोशनी पड़ती है उस समय तारे नहीं दिखाई देंगे। अब कुछ लोग इस बात को मान लेंगे और कुछ इस पर यकीन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, नासा ने अपनी सभी बातों को सच बताने के लिए मून पर लैंडिंग की कुछ तस्वीरें भी वायरल की थी, जिसमें नासा का कहना है कि चांद पर जो इंसान गए थे उनके पैरों के निशान वहां पर वायुमंडल न होने की वजह से काफी सालों तक ऐसे ही रहेंगे, या यूं कहें कि लाखों सालों तक ऐसे ही रहेंगे।
आप उन्हें सैटेलाइट तस्वीरों में भी देख सकते हैं, जिसमें वहां पर इंसानों द्वारा उतारे गए यान और वहां पर जो उनके पैरों के निशान है उन्हें साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन ऐसे में ये सवाल उठते हैं कि जब नासा के पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी है तो उसने दोबारा चांद पर जाने की कोशिश क्यों नहीं की। इस पर नासा ने कई जवाब दिए हैं। नासा का कहना है कि चांद की जमीन बंजर और वहां सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं है और न ही वहां पर पानी मौजूद है। ऐसे में चांद पर समय और पैसा बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं बनता। हालांकि नासा अब एक मिशन फिर से चांद पर भेजने वाला है, जिसमें वह 2025 तक इंसानों को एक बार फिर से चांद पर उतारेगा। यह निर्णय नासा ने तब लिया जब भारत के चंद्रयान 1 ने वहां पर पानी खोज निकाला और चंद्रयान 2 ने वायुमंडल में कुछ गैसों की खोज कर दी। अब चंद्रयान 3 भी कुछ नए खुलासे करने वाला है। उसके बाद जरूर पूरी दुनिया चांद की ओर दौड़ पड़ेगी और हम उम्मीद करते हैं कि चंद्रयान 3 कुछ ऐसा खोजे जो मानव इतिहास में सबसे अप्रतिम हो और आज तक किसी ने उसकी कल्पना भी न की हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।